ठीक है हाँ टेस्ट देखो वैसे आप बाद में भी दे सकते हो ऐसा नहीं कि सिर्फ 11 बजे ही दे सकते हो आज आज आप टेस्ट दे सकते हो और टाइमिंग आपको बताया गया होगा कि कब तक चलेगा आप अपने शिफ्ट में दीजिए जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है ठीक है इसका सॉल्यूशन आपको कल मिल जाएगा चलो सो सॉल्यूशन कल मिल जाएगा इसका ठीक है ये हर सैटरडे हुआ करेगा आपसे आपका हर सैटरडे अब आपको ये टेस्ट देना होगा इसी में पता चलेगा कितना स्कोर यहाँ जितना करो ना पेपर में आपके उसी के आसपास ही मार्क्स आने वाले हैं गुड मॉर्निंग राहुल अभी बाबू गुड मॉर्निंग सिंघम आ चुके हैं क्लास में नितेश मॉनिटर गुड मॉर्निंग बाकी सबको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो फर्स्ट क्वेश्चन इनमें से उस व्यक्तित्व का चयन करें जिसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है आपको बताना इनमें से कौन है Who are not with भारत रत्न भारत रत्न से देखो हमने देखा कि में कितने से ये स्टार्ट होता है इनमें से किसको नहीं दिया गया है ये पूछा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मोरारजी देसाई को मिल चुका है एम सी रामचंद्र को मिल चुका है विनोबा भावे को मिल चुका है और ये पाने वाले पहले पहले कौन थे वो मैंने काफी बार बताया है आपको और मैं बार -बार टाइम वेस्ट नहीं जिसको पूछना हो बस वही पूछेगा ठीक है देखो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं इन्हीं के नाम पर आपको जम्मू कश्मीर में एक टनल मिलती है जो कि लॉन्गेस्ट रोड टनल है हमारे जो कि लॉन्गेस्ट रोड टनल है ठीक है इसका पुराना नाम हुआ करता था चेनानी नाशेरी बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया ओके okay, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी अच्छा मुझे बताइए इन्हीं के नाम पर ना एक पोर्ट मिलता है कौन से सिटी के अंदर एक पोर्ट है जिसका नाम इनके नाम पे रखा गया देखते कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते तब तक बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो गुड मॉर्निंग संदीप यादवे गुड मॉर्निंग सुरेंद्र सिंहम गुड मॉर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है जो सरस्वती सम्मान है ये किस फील्ड में दिया जाता है ऑप्शन से म्यूजिक लिटरेचर जर्नलिज्म या फिर डांस के फील्ड में दिया जाता है तो आप सभी जानते हैं ये लिटरेचर के फील्ड में होता है सरस्वती सम्मान सरस्वती सम्मान की बात करते हैं ये लास्ट ईयर किसको मिला था शरण कुमार लिम्बाले शरण कुमार लिंबाले को दिया जाता है और एक होता है व्यास सम्मान ये भी इसी फील्ड में दिया जाता है व्यास सम्मान की बात करते हैं। ये भी इसी फील्ड में दिया जाता है दोनों लिटरेचर में ही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अच्छा सेशन को सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे आते ही कर कर तो के, के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया था देश के अंदर और बाहर भारतीय कला को प्रमोट करने प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने ललित कला अकेडमी नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की थी 1971 में 1954, 1960 या फिर 1948 के अंदर इसको एस्टेब्लिश कब किया 1954 में जब भारत रत्न पद्म अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी सॉरी <coughs> सीपीओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे क्या है निम्न में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी हां जी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कौन से थे जिन्होंने 1932 के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पुरस्कार कम्युनल अवॉर्ड की अनाउंसमेंट की थी आंसर क्या होगा हर्बर्ट हेनरी एंड्रयू बॉर्नर डेविड लॉयस जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड विच इज आंसर ऑप्शन नंबर डी जिनका आंसर है करेक्ट जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ठीक है जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सब वोट की शुरुआत की थी क्वेश्चंस थोड़े से बोरिंग लग रहे होंगे मैम प्लीज एक हेल्प चाहिए मयंक मिश्रा बिल्कुल पूछिए क्या हेल्प चाहिए आपको स्टडी रिलेटेड ही हेल्प होनी चाहिए लेकिन आपकी ठीक है चलो बताओ जल्दी से क्या किसको कहां दिक्कत आ रही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तब तक निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें के फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया फील्ड मार्शल जो कि एक फाइव स्टार जनरल पोस्ट होती है और हमारे देश में ना ये सिर्फ दो ही लोगों को मिली है अब तक तो यहां पर पूछा जा रहा है सबसे पहले किसको मिली थी आंसर क्या होगा इसका आंसर जिसने गलत किया ना उसे चिरकूट की उपाधि मिलेगी आज के लिए जल्दी

ने जिस जिस दिन दिन ये पोस्ट ग्रहण की थी शपथ ली थी ये पद ग्रहण किया था उसी दिन को आज हम आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं जो कि हर साल ये फिफ्टीन ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है जो कि हर साल फिफ्टीन ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है तो ये ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए 1968 में निम्न में से किसने साहित्य एकेडमी पुरस्कार प्राप्त किया है हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 1968 किसको मिला सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहे कोई भी बच्चा क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये छूट गए ना तो सोचो पेपर में एक तो नंबर गवाए दोगी क्वेश्चन दो नंबर तो गवा दोगी पक्का पक्की बात है ओके देखो अमृता प्रीतम ओके और कोई देखो भाई जिनका आंसर यहां पर आ रहा है अमृता प्रीतम उनका आंसर बिल्कुल गलत है गलत है करेक्ट आंसर है हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के फादर हैं हरिवंश राय बच्चन जो कि पोइट्री क्या करते थे ये बहुत बड़े पॉइट थे तो इन्हीं को साहित्य के क्षेत्र में ये अवॉर्ड मिला था जो कि 1968 के अंदर दिया जाता है जो कि कब दिया जाता है 1968 में इन्हें यह अवार्ड दिया गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट वुमेन टू हैव बीन द युद्ध सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल भावना कंड शालीमा धामी मिंटी अग्रवाल या फिर अपर्णा कुमार ओके, okay. <coughs> ठीक है देखो, यहां पर जिन बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मिंटी अग्रवाल मिंटी अग्रवाल इज करेक्ट आंसर जो कि युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली फर्स्ट वोमेन बनी थी ये पहली भारतीय महिला बनी थी इस अवार्ड को पाने वाली जिनका नाम है मिंटी अग्रवाल क्या नाम है इनका मिंटी अग्रवाल ओस्कर अवॉर्ड को जीतने वाले पहले अभिनेता जो है ये थे? कौन थे फर्स्ट एक्टर कौन थे जिनको ओस्कर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था तो ऑप्शंस आपके सामने हैं आंसर करेंगे जल्दी से क्या होगा जिन्होंने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ठीक है एम एल जेनिंग से क्या नाम है का एमिल जैनिक्स नाम है जो है जो वो फिल्म जगत में दिया जाने वाला सम्मान है उसकर. और एमिल जैनिक्स ये फर्स्ट थे जिनको मिला था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे क्या है प्रिजर पुरस्कार डैश के फील्ड में योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाने वाला एक इंटरनेशनल अवार्ड है प्रिजर पुरस्कार डैश के फील्ड में योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है कौन सा है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये मैथमेटिक्स आर्किटेक्चर या फिर मेडिसिन के फील्ड में प्रिजर पुरस्कार ये किस फील्ड में दिया जाता है आंसर करेंगे जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आर्किटेक्चर वास्तुकला के फील्ड में आर्किटेक्चर के फील्ड में प्रिजर पुरस्कार दिया जाता है आर्किटेक्चर के फील्ड में कौन सा प्रिजर पुरस्कार है आपका जो दिया जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है देखो रामानुजन की बात करते हैं जो कि एक फेमस मैथमेटिशियन रह चुकी हैं मैथमेटिशियन तो इनके नाम पर ना हम मैथमेटिक्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे ट्वेंटी सेकेंड ऑफ दिसंबर को ये मनाया जाता है और इन्हीं के नाम पर अवार्ड्स भी दिए जाते हैं ठीक है तो ये किस फील्ड में फील्ड में ना अच्छा, एक और अवार्ड एबिल अवार्ड ये भी मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है okay? बिल्कुल सही है यस yes, अभी ये यो, यो, यो किंग टैंग को दिया गया था यूंग टैंग को दिया गया था शस्त्र नामार्जन पुरस्कार अभी लेटेस्ट बात करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पद्म पुरस्कार हर साल डैश के आसपास घोषित किए जाते हैं जो पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं ना हर साल तो ये कब दिए जाते हैं इनका जो अनाउंसमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा हर साल किया जाता है और ये कब रिपब्लिक डे पर यानी कि 26 ऑफ जनवरी को प्रेसिडेंट इनका अनाउंसमेंट करते हैं 1954 से इनकी शुरुआत हुई थी पद्म अवार्ड्स की अच्छा अगर 2022 में पूछा जाए पद्म अवार्ड्स कितने दिए गए 2022 में तो 2022 में जो है 128 दिए गए ठीक है हालांकि मैंने पहले कराया है बट एक बार से रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप लोग बोलो ना पद्म विभूषण सत्रह लोगों को मिला था सात लोगों को मिला था पद्म भूषण सत्रह लोगों को मिला था और पद्मश्री जो है क्या है पद्मश्री ये दिया गया था 104 लोगों को टोटल कितना 128 इसमें से 34 फोर को दिया गया है एंड 13 लोगों को मरणोपरांत यानी कि पोस्टमसली दिया गया है ये लिस्ट याद रखना ओके पॉइंट्स क्लियर है यहां तक सभी को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले जिमनास्ट कौन थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं इसका नाम चेंज हो चुका है लेकिन क्योंकि प्रीवियस ईयर तो हमने रखा है सब कुछ। वैसे जो ये अवार्ड है, है मेजर ध्यानचंद कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है तो भाई जिम्नास्ट कौन देखो वैसे तो ये 1991 नाइनटी से शुरू होता है और सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को दिया गया था जो कि हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर रह चुके टोटल हमारे देश में 77 ग्रैंड मास्टर्स हो चुके हैं ठीक है तो यहाँ पर बात करेंगे दीपा करमाकर जिनका नाम कौन से स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा है जिम्नास्ट के साथ में जुड़ा हुआ है तो ये जो है जिम्नास्टिक है ठीक है इस खेल से बिलोंग करती है नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन पर क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखेंगे क्या है खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को कौन सा यानी कि जो कोच होते हैं है ना खेलों में जो कोच होते हैं इन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है वेरी इजी क्वेश्चन यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करेगा बताएं जल्दी से स्पोर्ट्स के फील्ड में जो कोच होते ना उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है ध्यानचंद द्रोणाचार्य राजीव गांधी या फिर अर्जुन पुरस्कार होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है द्रोणाचार्य पुरस्कार ठीक है स्पोर्ट्स में जो कोच अवार्ड को दिया जाता है, है? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है वेरी गुड नेक्स्ट देखो राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले विजेता कौन थे अभी मैंने बताया आपको अभी जस्ट मैंने बताया कौन थे विश्वनाथन आनंदो इक्यान बारे में अवॉर्ड दिया गया था और अभी जो है ना इनको फिडे में शामिल किया गया है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो चेस ओल जो चेस टूर्नामेंट्स होते हैं इसे इंटरनेशनल लेवल पर कौन कंडक्ट करवाता है फिडे तो फ्रीडे में शामिल कर लिया गया है विश्वनाथन आनंद को इन्हें वर्ल्ड वाइल्ड फंड के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था ठीक है फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है हमारे देश के विश्वनाथन आनंद आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आज जल्दी जल्दी क्वेश्चन हैं चलो महात्मा गांधी ने किसे दीन बंधु की उपाधि दी थी एक तो इन्होंने जो जो टाइटल्स दिए थे ना वो बहुत पूछे जाते हैं एक-एक करके क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ पर मैंने काफी बार क्लास में कराए भी हैं महात्मा गांधी की बात करते हैं पहले देखो महात्मा की उपाधि ने किसने दी थी इन्हें महात्मा किसने कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने ठीक है किसने कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने फिर रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी इन्हें गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी महात्मा गांधी ने दी थी इन दोनों ने एक दूसरे को एको उपाधि इन्होंने रविनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा और रविनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था ठीक है अब बात करते हैं दीनबंधु की उपाधि ये जो है किसको है? दी जाती है सीएफ एंड्रियोस सीएफ एंड्रियोस को दीनबंधु की उपाधि दी गई थी ठीक है नेक्स्ट निम्न में से किसे सीमांत गांधी फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है वेरी इजी क्वेश्चन CHSR, में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं जी में तो और भी इजी क्वेश्चन आएंगे प्यारी, अब इतनी प्यारी, तो प्यारी नहीं हो और भी बच्चे हैं जो बहुत प्यारे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद अब्दुल गफ्फार खान हसरत मोहानी या फिर अशफाक उल्ला खान आंसर करेंगे जल्दी से क्या होगा ओके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है खान अब्दुल खान इन्हीं को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है और ये पहले विदेशी बने थे ये जो है पहले विदेशी बने थे भारत रत्न पाने वाले ठीक है अच्छा आप मुझे ये बताइए कि दूसरे विदेशी कौन बने थे भारत रत्न पाने वाले फटाफट से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए इन फाइव सेकेंड जो आंसर करेगा उसे इनाम मिलेगा जल्दी से चार बच्चे भाग गए टेस्ट के नाम से इतना डर लगता है ना कुछ बच्चों को कि तो भाई लाइव चल रहा है तुम घर में बैठे हो भी कंफर्टेबल टेंशन का ले रही हो तुम लोग हाँ किसी को नहीं बता सर नेल्सन मंडेला है लिखो नेल्सन नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका के ये फर्स्ट अश्वेत प्रेसिडेंट बनाए गए थे ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन भारत में नागरिकों को दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न सबसे पहले किस गैर भारतीय को को दिया दिया गया गया था था यानी कि सबसे पहले किस नॉन नॉन इंडियन इंडियन जो कि भारतीय नहीं थे यानी कि पहले विदेशी सिंपल वही घुमा के पूछ लिया क्वेश्चन आपको अभी मैंने बताया था खान अब्दुल गफार खान ये फर्स्ट बने थे पहले विदेशी इस अवार्ड को पाने वाले ओके okay? क्लियर ऑप्शन नंबर डी है नेक्स्ट देखो द्ड गिवन टू द बेस्ट कोच अमंग ऑफ ऑल द डिफरेंट गेम्स इज नॉन एज डैश जो सभी भिन्न खेलों के प्रशिक्षकों में से सब सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को दिया जाने वाला जो पुरस्कार है ये कौन सा है ये हमने पीछे पढ़ा था जो कोच होते हैं इन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है तो इन्हें दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार ठीक है जो कोच होते इन्हें कौन सा अवॉर्ड दिया जाता है इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है ठीक है सिंपल क्वेश्चन था आ, आप में से बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस कमेंट्स वगैरह आए हैं कॉल्स वगैरह की टेस्ट मिल नहीं रहा है कैसे देना एप्लीकेशन जब आप ओपन करोगे ओपन करते सबसे पहला जो बैनर आता है ना वहीं पर लिंक दिया होगा उसी पर क्लिक करना है आपको ठीक है मतलब एप्लीकेशन ओपन करते ही सबसे ऊपर ही मिलेगा आपको अंदर नहीं जाना है आपको सबसे ऊपर ही लिंक मिलेगा उस पर क्लिक कर देना बैनर होगा पहले तो उसके नीचे लिंक अपने टाइम पर देना है सबको टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है जो देना चाहे वो क्लास से जा सकता है वो दे सकता है टेस्ट ठीक है जिसको बाद में देना है वो बाद में भी दे सकता है क्लास पहले कर लो उसके बाद में भी दे सकते हो आप लोग ओके चलो So, hai, humara, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार जीता अमेरिका की कौन सी प्रेसिडेंट है जिन्हें की नोबेल अवार्ड दिया गया था जिन्हें की नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था आंसर करेंगे जल्दी से क्या होगा ओके okay. <coughs> बराक ओबामा बिल्कुल सही है ये नंबर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं बराक ओबामा और इन्हें ना एक और अवार्ड मिला था इनको दिया गया था ग्रैमी अवार्ड जो म्यूजिक के फील्ड में मिलता है इन्होंने वॉइस दी थी अपनी एक वेब सीरीज लॉन्च हुई थी यहाँ पे वर्ल्ड नेशनल पार्क करके ठीक है तो इसमें इन्होंने अपनी वॉइस दी थी बराक ओबामा ने जिसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया ये म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है बाय यूएसए

ओके okay. देखो सुल्तान अजलान शाह कप सबसे पहले चीज तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है आप मुझे बताइए कौन से स्पोर्ट के साथ में जुड़ा हुआ है कौन से स्पोर्ट में और इसका जो आयोजन है ना ये मलेशिया में किया जाता है बिकॉज सुल्तान अजलान शाह जो है ये यहाँ के नौवे नंबर की राजा हुआ करते थे तो इन्होंने ही इसकी शुरुआत की तो उन्हीं के नाम पर कप दिए जाते हैं उन्हीं के नाम पे कप दिए जाते हैं आप मुझे बताइए कौन से खेल में हॉकी बिल्कुल सही आंसर हॉकी के फील्ड में दिया जाता है 1967 में अशोक चक्र वर्ग का नाम बदल कर डैश कर दिया गया था अशोक चक्र क्लास 3 वाज रीनेम्ड एज़ द डैश इन 1967 इसका नाम बदल कर चेंज करके क्या कर दिया गया था तो ये शौर्य चक्र कर दिया और सबसे सर्वोच्च जो वीर चक्र दिया जाता है ये महावीर चक्र होता है आप सॉरी परमवीर चक्र होता है इसमें ऑप्शन में, में महावीर लिखा परमवीर चक्र होता है वो ये शौर्य चक्र है जो पहले चक्र वर्ग के नाम से जाना जाता था पहले जो है अशोक चक्र अशोक चक्र क्लास थ्री ये जाना जाता था बाद में इसका नाम चेंज करके शौर्य चक्र किया गया नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू सामाजिक विज्ञान इतिहास 2009 के लिए पहले इन्फोसिस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता निम्न में से कौन है सामाजिक विज्ञान इतिहास 2009 के लिए इन्फोसिस पुरस्कार सबसे पहले जो है ये किसे दिया गया था अमलन दत्ता कृष्णा कुमार हरि वासुदेवन या फिर उपेंद्र सिंह को मिला था क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है उपेंद्र सिंह होगा आपका आंसर यहां पे ठीक है उपेंद्र सिंह होगा नेक्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हर साल किसके द्वारा दिया जाता है

जरूरत नहीं है तुका लगाने की आप ऑब्वियसली इसका आंसर कर सकते हो युवा एवं खेल मंत्रालय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑब्वियसली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किसके पास में है अनुराग ठाकुर जी के पास में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आपको किसके पास में मिलती है अनुराग ठाकुर के पास में मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इज अकॉर्डेड बाय द डैश इंडियन नेशनल कांग्रेस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही है इंडियन नेशनल कांग्रेस करेक्ट है इंदिरा गांधी पुरस्कार इंडियन नेशनल कांग्रेस क्योंकि वो कांग्रेस से थी ठीक है कांग्रेस पार्टी से ही थी इंदिरा गांधी इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ही दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं इसकी स्थापना कब होती है 1885 के अंदर इसको बनाया गया था, का. और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर हैं ये किन्हें कहा जाता है ओ ह्यूम को कहा जाता है ठीक है ओ ह्यूम को काफी बार कर चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम सारी चीजें okay? इसकी बदरुद्दीन तैयब जी पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे जॉर्ज यूले थे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो ये एनी बेसेंट रही थी ठीक है और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो ये सरोजनी नायडू थी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से भारत रत्न नहीं मिला है? Yes, जल्दी से। इन से इनमें भारत रत्न किन्हें नहीं दिया गया अब आप देखोगे खान अब्दुल गफ्फार खान ये तो पहले विदेशी बने थे भारत रत्न पाने वाले मदर टेरेसा की बात करते हैं बाद में ठीक है नेल्सन मंडेला, ये जो है दूसरे विदेशी बने थे भारत रत्न पाने वाले ठीक है और बलदेव सिंह क्या इन्हें दिया गया है अब ऑप्शन बी और डी दो ऑप्शंस आपके सामने हैं आंसर करेंगे जल्दी से इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर नितेश मॉनिटर अच्छा टेस्ट देने के लिए आप जाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल जा सकते हो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे ना क्लासेस का जो टाइम है जो क्रैश हो रहा है वो नहीं होगा नेक्स्ट टाइम आपका क्लासेस हम ऑफ कर देंगे सैटरडे ताकि आप लोग आराम से टेस्ट पे फोकस करो मदर टेरेसा की बात करते हैं इन्हें मिल चुका है और ये नोबल uh, अवॉर्ड को पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी ठीक है और भारत रत्न भी इन्हें दिया जा चुका है बलदेव सिंह को कभी नहीं मिला है ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर इन्हें कभी भी नहीं दिया गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ज्ञानपीठ पुरस्कार डैश को दिया गया था पचपनवा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये आपको बताना है किसको दिया गया था फिफ्टी फिफ्थ बालचंद्र नेमाडे अकीता मचूतम अमिताभ घोष रघुवीर चौधरी और ये भी बताइएगा फिफ्टी सिक्स किसको मिला और फिफ्टी सेवन किसको मिला फिफ्टी सिक्स मिला था नीलमणि फूकन को सेवेंथ आप मुझे बताएंगे 55th मिला था ये अकीतम को. किसको? अकीतम जो कि लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे पुलित्जर पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे गोविंद बिहारी लाल संगमित्रा कलिता झुंपा लहिड़ी या फिर गीता आनंद थैंक यू सो मच बीच बीच में क्या मस्का लगाते रहते हो क्या मुझे तुम लोग ऑप्शन नंबर सी काफी बच्चे आंसर आए देखो पुलिसजर पुरस्कार की बात करते पुलिसर पुरस्कार को जीतने वाले जो पहले भारतीय बने थे ये कौन है गोविंद बिहारी लाल कौन गोविंद बिहारी लाल इन्हें सबसे पहले दिया गया था ये फर्स्ट इंडियन बने थे इस अवार्ड को पाने वाले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वह किस विषय से संबंधित है यानी कि किस फील्ड में दिया जाता है स्पोर्ट्स लिटरेचर म्यूजिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस फील्ड में ये दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार

नेक्स्ट okay. क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है निम्न में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान कर नॉर्वेजियन नोबल समिति करोलिस्का संस्थान है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है या फिर है स्वीडिश एकेडमी किसके द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाते हैं

इसे कब स्थापित इस किया जाता है 1969, 1956, 1961 या फिर 47 में आंसर करेंगे जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1961 में देखो ये अर्जुन पुरस्कार जो कि खेलों में दिया जाता है किसने स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा ही दिया जाता है 1961 से शुरू हुआ था अच्छा आप मुझे बताइए सबसे पहले ये अवार्ड किसे मिला था अर्जुन पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉलर थे कौन थे उनका नाम क्या था अच्छा नितेश भावनाओं में बहते हुए इतना इतना इतनी इतना बड़ा टाइटल मुझे दे दिया है थैंक यू सो मच इतने तारीफ करने के लिए क्या चाहिए भाई आज आज कुछ ज्यादा ही तुम लोग तारीफ कर रहे हो सब ठीक है ना इतना मस्का लगाया जा रहा है आज देख रही हूँ मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज के हैं ठीक है पी आर सुजेस होगा 1961 में इन्हें मिला था सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 देखिए निम्न में से कौन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में योगदान के लिए एक पुरस्कार है इनमें से कौन सा अवार्ड है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है पीछे हमने पढ़ा भी था चलिए आंसर करेंगे जल्दी से क्या होगा अभिषेक कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी होगा और कोई अभी पीछे ही तो पढ़ा था इतने जल्दी बोल गए देखो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है कौन सा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाने वाला अवार्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाने वाला अवॉर्ड है आईसीटीपी रामानुजन पुरस्कार में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। रामानुजन पुरस्कार कहीं भी आपको रामानुजन दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है किससे मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ये समझ जाइएगा ठीक है तो मैथमेटिक्स के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है नेक्स्ट रेमन मेक्से अवार्ड की स्थापना डैश वर्ष में की गई थी रेमन मैक्सी अवार्ड की शुरुआत कौन से ईयर में की जाती है? 1957, 1982, 1962 या फिर 1965 में की जाती है आंसर क्या होगा सॉरी ओके okay. सो so, देखो रेमेड मैक्सेस के अवार्ड की बात करते हैं किसके नाम पे दिए जाते हैं ये स्टूडेंट्स थोड़ा नंबर देना ही नहीं चाहिए क्लास के टाइम पे भी कॉल करते हैं हाँ जी देखो रेमेड मैक्सिस अवार्ड की जब हम बात करते हैं 1957 में शुरुआत होती है फिलीपींस के सातवें राष्ट्रपति के नाम पर ये दिए जाते हैं राइट फिलीपींस के

चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा लोकगीत और नृत्य 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया था इंटेंजिबल कल्चरल साइट का दर्जा दिया गया यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल साइट्स में किसको शामिल किया जाता है फेस्टिवल्स को, मतलब को हम चीजें होती है तो कौन सा डांस फॉर्म है गैर चरी कालबेलिया या फिर भवाई इनमें से कौन सा है जो कि यूनेस्को ने अपनी क्या है कल्चरल लिस्ट में शामिल किया था तो क्या होगा भाई सही आंसर जिन बच्चों ने सी आंसर किया है बिल्कुल सही कालबेलिया कहाँ पर किया जाता है ये राजस्थान का फोक डांस है कालबेलिया हो गया घूमर हो गया कठपुतली है है कच्ची घोड़ी है भवाई है ठीक है ये सब कहाँ किए जाते हैं राजस्थान के डांस है okay. पूछ लिया जाए यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट्स की लिस्ट है इसमें टोटल कितने कितने साइट्स शामिल हो चुके हैं टोटल फोर्टीन हो चुकी है और जो लेटेस्ट शामिल की गई थी वो क्या नाम है उसका दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया है जो कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता में इसका मतलब इसको मनाया जाता है दुर्गा पूजा होता है आपका इंटेंजिबल <coughs> साइट और यूनेस्को की टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर पूछा जाए यूनेस्को की जो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे देश में हो चुकी हैं कितनी 40 है इसमें लेटेस्ट वाली कौन सी है फोर्टी नंबर की धोलावीरा जो आपको गुजरात में मिलती हड़प्पा सभ्यता की जगह ओके हां जी पॉइंट दे रहे सबको अच्छा कितने बच्चे जो नोट करते हुए चल रहे चीजों को ईमानदारी से बता दो एक बार कितने ऐसे ईमानदार अच्छे और प्यारे बच्चे हैं जो साथ के साथ नोट्स भी बना रहे हैं हाथ खड़े करो अपने अपने नो no, मैम क्यों सब पका पकाया चाहिए इनकी आपको एक्सप्लेनेशन तो मिल रही है अच्छा पीडीएफ में ही आपको दिया जा रहा है सारा है ना तो जो समझाया जा रहा है वो पीडीएफ में मिल रहा है इसीलिए आलसी हो गए हो तुम लोग देखो एक टाइम ऐसा हुआ करता था टीचर पढ़ा के चला जाता था बच्चे कॉपियां भरते रहते थे भरते रहते थे आज बदल गया जमाना आज बेचारा टीचर बोर्ड भरता रहता भरता रहता। बच्चे स्क्रीनशॉट लेते ले ले काम खत्म बच्चे स्क्रीनशॉट लेते ले ले काम खत्म है ना बहुत बढ़िया तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना ये बहुत गलत हो रहा है ये नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ में तुम लोगों को तो करना नहीं अब कुछ देखो जब खुद से आप लिख लिख के चीज लिखते हो बनाते हो ना तो चीजें याद रहती है लंबे समय तक दिमाग के उस हिस्से में जाके स्टोर होती है जहां पर लंबे समय तक आप उस चीज को याद रख सकते हो ओके। okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स मैम मैं कुछ बना लेता हूँ और कुछ नहीं बना पाता हूँ ये कुछ कुछ क्या होता है कुछ कुछ का क्या मतलब होता है नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर तरीके से बनाओ ये थोड़ी ना कि आधे बना रहे हो आधे नहीं बना रहे हो हा? ऐसे नहीं होता है बनाओ 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 तो पूरे अच्छे अच्छे से 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 जो क्लास लो अच्छे से लो पूरी लो उसको पूरी कि आधा इधर कुछ पढ़ा आधा उधर से कुछ पढ़ा आधे नोट्स बनाए आधे नहीं बनाए हर एक चीज को ना व्यवस्थित तरीके से करते हुए चला करो एक काम को ना एकदम सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए ऐसे नहीं होता है फिर फिर पेपर में फिर बैठे रहोगे ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा क्लासिकल डांस 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाला था कौन भाई इनमें से क्लासिकल डांस फॉर्म के साथ में में जुड़ा हुआ है है एक नाम ठीक उन्होंने 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त किया था इनका नाम क्या है मल्लिका सारा भाई यामिनी कृष्णमूर्ति सोवना नारायण या फिर सोनम मिंगल है इनका नाम देखो जब हम क्लासिकल डांस की बात करते हैं तो हमारे देश में जो क्लासिकल डांस फॉर्म है जो क्लासिकल डांस फॉर्म है कितने टाइप्स के है आठ प्रकार की है इनमें से कौन सी ऐसी डांस फॉर्म है जिसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से है तो ये आपका हो जाएगा कथकली। एक सेकेंड एक एक कथक है सोरिया कथक जो कि यूपी का फोक डांस है जो यूपी का फोक डांस है टोटल कितने और आठ क्लासिकल डांस इनमें से सोनमिंग है करेक्ट डांस सोनमिंग ये आ, सबसे कम उम्र के बने थे पद्म भूषण को प्राप्त करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पुरस्कार को आमतौर पर डैश के फील्ड के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है प्रिजर प्राइज कॉमनली नॉन एज नोबल प्राइज गिवेन फॉर द फील्ड ऑफ डैश किस फील्ड में दिया जाता है साइंस इकोनॉमिक्स आर्किटेक्चर या फिर आर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है ओके देखो भाई प्रिजर पुरस्कार हम पीछे पढ़ चुके हैं ये किस फील्ड में दिया जाता है आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है पुरस्कार किस फील्ड फील्ड में में आर्किटेक्चर की यानी कि वास्तु कला के क्षेत्र में दिया जाता है ठीक है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है जिसकी शुरुआत नाइनटीन से होती है पहली बार ये नाइनटीन के अंदर दिया गया था क्वेश्चन नंबर थर्टी देखेंगे अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो कौन से ईयर में दिया था देखो नोबेल अवार्ड्स की बात करते हैं तो मैं काफी बार करा चुकी हूँ हालांकि इनके शुरुआत 1901 में और ये किसके नाम पे दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिए जाते हैं ठीक है, है। इसको पाने वाली पहली भारतीय महिला फर्स्ट वुमन पूछा जाए ये कौन थी मदर टेरेसा फर्स्ट वुमन कौन थी मदर टेरेसा इकोनॉमिक्स की फील्ड में पूछा जा रहा है और पहले भारतीय तो आपको पता ही है ओके okay? हम्म hmm. बिल्कुल सही है 1998 करेक्ट है जब गूगल की स्थापना हुई थी तो फर्स्ट इंडियन तो पता ही है आपको रविंद्र टैगोर हैं जिन्होंने 1913 में मिला था इनकी रचना गीतांजलि के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही तो नहीं गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता।, जो दिया जाता है वो किस देश के सहयोग से दिया जाता है जर्मनी इंग्लैंड फ्रांस या फिर अमेरिका ओके okay. ठीक है जिन बच्चों का आंसर आया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है फ्रांस ये फ्रांस के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार फ्रांस के सहयोग से दिया जाता है ठीक है फ्रांस के सहयोग से गीतांजलि नाम से ही जो रचना है वो रविनाथ टैगोर जी की रचना है जो उन्होंने 1913 में जिसके लिए उन्होंने नोबेल अवार्ड जीता था और उसको पाने वाली पहले भारतीय थी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकाडमी पुरस्कार वर्ष डैश से कलाकारों को प्रदान किया जाता है वर्ष डैश से कब से दिया जा रहा है संगीत नाटक एकेडमी ऑफ बोर्ड चलिए आंसर करेंगे जल्दी से ये कब से दिया जा रहा है पहली बार कब दिया गया 1950 61 52 या फिर 1959 में दिया गया था तो करेक्ट आंसर क्या है जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी आंसर किया है बिल्कुल सही 1952 से शुरुआत हुई थी 1952 में ये पहली बार दिए गए थे 1952 में ये पहली बार दिए गए थे ओके नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? इनमें से कौन ओस्कर पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं भानु अथैया सत्यजीत रहमान, रेसुल आंसर करेंगे जल्दी से निम्न में से कौन ऑस्कर पुरस्कार को तो पाने वाले पहले भारतीय है? रहे हैं फर्स्ट इंडियन कौन रहे सत्यजीत रे राइट सत्यजीत राय ये फर्स्ट इंडियन रहे हैं एक सेकेंड रुक जाओ सॉरी

विधान चंद्र रॉय जो कि एक डॉक्टर रह चुके हैं तो यानी कि किस फील्ड में दिया जाता है अभी सीजीएल 2022 में ही ताजा ताजा पूछा गया सवाल है ठीक है तो बताइए जल्दी से ये कौन से फील्ड में दिया जाता है विधान चंद्र रॉय जो कि एक डॉक्टर रह चुके हैं तो यानी कि किस फील्ड में मेडिसिन मेडिकल के फील्ड में दिया जाता है किस फील्ड में मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता है ओके okay. के ऐसे प्रश्न करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर ये पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था के एस कृष्णन को सबसे पहले दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की बात करते हैं इसको पाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे तो इनका नाम है अरुंधति रॉय इनका जो फर्स्ट जो नॉवल था जो पहला इनका उपन्यास था जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स तो इसके लिए ने दिया गया था आंसर बताइए जल्दी से ईयर कौन सा था कौन से साल में दिया जाता है 2005, 1969, 1981 या फिर 1918 में तो जिन्होंने आंसर किया 2005 बिल्कुल सही है इंटरनेशनल बुकर प्राइज कब से दिया जा रहा है ये 2005 से दिया जा रहा है इसके जो शुरुआत है वो 2005 में की जाती है निम्न में से किस व्यक्तित्व को जो कविता और संगीत से भी जुड़ा है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनमें से किस व्यक्तित्व को जो कविता और संगीत से जुड़ा हुआ है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर लाल बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर पुरंदर दास होगा होगा आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया ठीक है रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया और इन्हीं को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था पहले भारतीय बने थे 1913 में मिला था इनकी रचना गीतांजलि के लिए क्वेश्चन नंबर 47 1926 में पदार्थ की असंतत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी में यानी कि फिजिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीजीएल 2022 में पूछे गए हैं अभी सीजीएल 2022 में चार्ल्स विल्सन मरे गेल मन जिन बैक्टिट स्पेरिन ओवेन विलंस को मिला है किसको दिया गया है तो करेक्ट आंसर है जीन बैप्टिस्ट पेरिन को दिया गया जीन बैप्टिस्ट पेरिन को ये आपको ध्यान है ठीक है 1926 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के फील्ड में दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिव शंकर ने 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए निम्न में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता नेशनल फिल्म अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी अवार्ड या फिर गिल्ड अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट अच्छा आज के क्वेश्चन थे फोर्टी एट दो क्वेश्चन कम है

आप यूट्यूब पे फ्री में भी देख सकते हो आप जस्ट डालना folk dance by map, वो वीडियो निकल आपकी, क्योंकि ये चल रही है ना तो अभी होने वाली है. दो मिनट में आप लोगों से बातें करूंगी किसी को कोई डाउट किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं और देखो गाइस क्लासेस में रेगुलर आओ जब तक आप पंचुअलिटी में नहीं रहोगे क्लासेस में रेगुलर नहीं आओगे

अच्छा बताइए जल्दी जल्दी से मैंने रिव्यू लेना है आज चीनू रेडी आप अच्छा मतलब ये वाली सीरीज मैं बंद कर दू इस पे यस और नो बताओ मेरा क्वेश्चन है ये सीरीज बंद कर दी जाए और स्टडी जी की नई सीरीज स्टार्ट की जाए इस पे आप यस बोलो या नो बोलो चलो अभिषेक कह रहे यस मैम ठीक है और कोई सब लोग आंसर करो मैं जानना चाहती हूँ दोनों मिक्स होना चाहिए अच्छा दोनों मिक्स हो, ये ये वो बच्चे हैं जो कुछ छोड़ना नहीं चाहते सब कुछ चाहिए मैडम सब कुछ चाहिए छोड़ना कुछ नहीं है बहुत अच्छी बात है एग्जाम है आपका तो बिल्कुल मैं भी यही कहूंगी ओके okay, और कोई मैम टाइम सुटेबल नहीं है टाइम तो अभी चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि बाकी सभी टीचर्स की भी क्लासेस होती है तो टाइम तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं करंट अफेयर्स करवा दीजिए करंट अफेयर्स के लिए मैं खुद वेट कर रही हूँ जल्दी स्टार्ट करेंगे अगर मैं नहीं पढ़ा पाई तो किसी न किसी को हम रखेंगे बट करंट अफेयर्स हम जल्दी स्टार्ट करेंगे डोंट वरी और कुछ हाँ एक साल वाला वो मैं तब करवाऊंगी जब आपकी बिल्कुल एग्जाम डेट नजदीक आ जाएगी जैसे 10 जनवरी से पेपर है आपका ठीक है तो मैं 10 दिन पहले करा दूंगी न्यू ईयर स्पेशल अभी से मैं इवेंट लगवा देती हूँ न्यू ईयर स्पेशल नए साल पर पूरे एक साल का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा यहां से ठीक है डेली वाली क्लासेस गाइस जल्दी स्टार्ट करेंगे डोंट वरी डेली वाली क्लासेस भी हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे पेशेंस रखो थोड़ा सा वीकली वाला हाँ वी, अच्छा डेली वाला वीकली वाला इयरली वाला

ठीक है तो अपना पेपर पेन वगैरह लेके बैठना रफ वर्क करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो so, कल मिलते हैं हैव गुड डे वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल ये है स्टार्ट हो चुका है पे दो, आ, से सब ने जिन्होंने बाद में कर ले कल ग्यारह बजे से पहले आपका फिर एनालिसिस होगा अब स्टार्ट करते हैं हम जो हमारी केमिस्ट्री बिल्कुल फिनिश होने वाली है आज इसका सेकेंड लास्ट लेक्चर है इसे जरूर करें इसकी जो के तो ये इसी exam, में नहीं है। जो क्वेश्चन के पांच में से आएंगे तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना और एक शुरुआत करनी क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो है हमें पढ़ाना है तो हमारा पहला क्वेश्चन है फिलोसफर्स वूल यशद इस केमिकली फिलोसफर बूल यशद रासायनिक दृष्टि से क्या है जल्दी बताओ बच्चों बच्चो वूल किसे कहते हैं जिंक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड वूल एस एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी में आए थे टेन प्लस टू बच्चों फिलॉसफर्स वूल किसे कहते हैं जल्दी जल्दी बताओ बच्चों कौन से फिलोसफर्स के क्या नाम है बहुत कम समय ज्यादा क्वेश्चन करवाने हैं आपको फिलोस्फर्स कहते हैं जिंक ऑक्साइड को किसे कहते हैं प्यारे बच्चों जिंक ऑक्साइड को जिंक ऑक्साइड ये फिलोसफर वूल के जब इसे कंबेंशन होता है तो इसमें वूल जैसे लगने लगता है ये वूल जैसा लगने लगता है अगला सवाल है बच्चों आपका वॉट इज एस्बेस्टोस मेड ऑफ एस्बोस्टोस किससे बनता है एसबोस्टोस किससे बनता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से जिंक कॉपर जिंक और मैग्नीस से आयरन और लीड से calcium और कैल्शियम और जिंक से यह भी टेन प्लस टू में आया है एसबेस्टोस किससे बनता है एसबेस्टोस जल्दी बच्चों का रेस्पॉन्स नहीं आ रहे कहा हो सब एसटॉस इज मेड किससे बनता है एक मिनट जरा आप टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही चेक कर

ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट जो है, जो है, कौन सा होता है सबसे पहले तो रॉन्ग ये ऑर्गेनिक कार्बन से बने होते हैं हमारे ऑर्गेनिक हमारे कार्बन से बने होते हैं वो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड चूज द रॉन्ग तो कौन सा है दे हैव उनका गलांग तथा क्वानक निम्न होता दे हैव लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वे जल में घुलनशील नहीं है दे आर नॉट सोलेबल इन वॉटर वे सहज ज्वलनशील नहीं होते दे आर नॉट रेडिली इंफ्लेमेबल दे आर मेनली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन जो हमारे पेट्रोलियम है ये सब जो हमारे किस में आते हैं ये सब आते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड करता है कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन उनके अंदर क्या होती है कार्बन होते हैं तो कार्बन होते हैं तो हमारा जैसे इनमें क्या होता अब जैसे पेट्रोलियम हुआ ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? है तो ये क्या होता क्या, क्या है क्या दे आर नॉट रेडी इन्फ्लेबल क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे केरोसिन हुआ केरोसिन हुआ पेट्रोल हुआ डीजल हुआ गैस हुआ क्या ये इजिली इंफ्लेमेबल नहीं है इनमें आराम से आग लग जाती है तो ये हमारा दे आर तो इसका उत्तर होगा ये है जो है हमारा गलत होगा दे आर नॉट रीडिली इनफ्लेमेबल ये हमारा गलत होगा क्योंकि इसमें लिखा है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट जो है हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज प्योर एलिमेंट निम्न में से प्योर एलिमेंट कौन सा है बच्चों बताओ प्योर एलिमेंट निम्न में से कौन सा है प्योर एलिमेंट कौन सा है निम्न में से कांच है सीमेंट है सोडियम है या स्टील है यहां पे एलिमेंट लिखा है क्या है बेरे बच्चों एलिमेंट कांच नहीं है इसका उत्तर ये गलत उत्तर है प्योर एलिमेंट है ये तो एक कंपाउंड है ये एक कंपाउंड एक कंपाउंड कांच के अंदर सिलिकॉन हुआ और भी कई सारे तत्व मिले होते हैं स्टील भी गलत उत्तर हुआ हा सोडियम इसका सही जवाब हुआ सोडियम इसका सही जवाब हुआ सोडियम जो है हमारा एनए जो होता है सोडियम एन जो है हमारा इनमें प्योरेस्ट कंपाउंड है प्योर एलिमेंट है और सारे क्या है ये सारे कांच हुआ सीमेंट हुआ स्टील हुआ ये सारे हमारे कंपाउंड है सुरेंद्र गुजर का सही जवाब था अब देखते हैं अगला सवाल कौन सा है विच मिनरल इज प्योर एज प्रेजेंट इन द रॉक तो रॉक सेंधा नमक जो व्रत में नमक खाते हैं सेंधा नमक होता है लाहौरी नमक होता है उसमें कौन सा खनिज होता है जिप्सम होता है पोटेशियम होता है सोडियम होता है मैग्नीशियम होता है यही जो हमारा सेंधा नमक में जो होता है रॉक साल्ट इसमें होता है सेंधा यही हमारा किसमें होता है रॉक सॉल्ट के अलावा ये होता हमारा टेबल साल्ट, टी साल्ट टेबल साल्ट जो हम कॉमन साल्ट उनमें सब में यही तत्व होता है बच्चों कौन सा होता है पोटेशियम नहीं होता इसमें भी होता है हमारा NaCl सोडियम होगा इसका उत्तर होगा सोडियम बच्चे गलत कर देते इसमें होगा सोडियम NaCl मुख्य तत्व इसमें भी क्या होता है NaCl सोडियम तो Na से हो गया Cl वो हो गया हमारा सोडियम इसमें गलत कर देते पोटेशियम लगाते हैं पर इसका उत्तर होगा सोडियम अगला है सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन है सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है बेकिंग सोडा खाने वाला जो सोध धोने वाला सोडा वॉशिंग सोडा कास्टिक सोडा दाहक सोडा या कास्टिक पोटाश दाहक पोटाश बच्चों जल्दी बताओ सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जाना सोडियम कार्बोनेट किस नाम से जाना, जाना जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव चुका है सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है सही उत, आपके पास सिर्फ पांच सेकंड है पांच सेकंड में आपको उत्तर देना है सोडियम कार्बोनेट क्या होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया हमारा ये होता है हमारा वॉशिंग सोडा जिससे हम कपड़े धोते हैं वॉशिंग सोडा बच्चों क्या होता है वॉशिंग सोडा तो ये वॉशिंग सोडा हो गया अब इसका दूसरा नाम क्या है एन ए टू थ्री क्या है इसका फॉर्मूला एन ए टू थ्री तो ये हमारे क्वेश्चन क्या बन जाते हैं वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है और क्या होता है इसका ये इसका वो हो गया सोडियम कार्बोनेट और इसमें क्या होता है इसका नाम इसे सोडियम कार्बोनेट हो गया वॉशिंग सोडा हो गया और इसका फॉर्मूला और ये कपड़े जो धुलते हैं हमारे डिटर्जेंट हुए हमारे जो सोप हुए उसमें क्या होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है हमारा वॉशिंग सोडा होता है अब बच्चो नितेश जो है अगला क्वेश्चन देखो आपका आपका जो सवाल है उसका आपको जवाब मिल जाएगा द कॉमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर या सोडा इसका उत्तर दो भी बच्चों क्योंकि आपके क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है शुरुआत होती है कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने का इस ये क्वेश्चन आएंगे रिपीट होंगे या इससे रिलेटेड फैक्ट्स आएंगे कमर्शियल नेम ऑफ दी सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर या सोड़ा एश सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या है बच्चों बताओ दस सेकेंड आपके पास सचिन आनंद का सही आ गया है और बच्चों बताओ और कहा है नितेश का भी सही जवाब मिल गया आपको नितेश अपने सवाल का जवाब नम्रता देव देव राय का भी सही जवाब है जल्दी बताओ अभी ये है हमारा बेकिंग सोडा क्या होता है बेकिंग सोडा जो हमारी ब्रेड होती है हमारे जितने भी ये बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अलावा जो हमारे भटूरे होते हैं जहां फर्मेंटेशन होता है उसमें हमारा खाने वाला सोडा और बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और क्या नाम है इसका बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट एनएचसी इसका फॉर्मूला है क्या है फॉर्मूला इसका एन ए एच सी ओ थ्री थ्री सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला और दूसरा नाम बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा अगला सवाल है चिल्ली सा, साल्ट पेटर इज द कॉमन नेम ऑफ चिल्ली शोरा जो है किसका सामान्य नाम है पोटेशियम नाइट्रेट का पोटेशियम नाइट्रेट का सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे पोटेशियम नहीं आने का यहां पे बच्चों सोडियम आएगा सोडियम नाइट्राइड का सोडियम नाइट्राइड और पोटेशियम नाइट्राइड पोटेशियम नाइट्रेट का यहां पे क्या आएगा हमारा सोडियम चिल्ली शोरा किसका सामान्य नाम है जल्दी बताओ बच्चों चिल्ली शोरा किसका सामान्य नाम है जल्दी सच शिव मंडल गलत जवाब है आपका सोडियम नाइट्रेट नहीं सही आ रहा है जल्द यह सही है चिली साल्ट पेपर है हमारा सोडियम नाइट्रेट का सही जबाना सोडियम नाइट्रेट जो होती है हमारी सोडियम नाइट्रेट नाइट्राइट नहीं सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट चिली साल्ट पैटर चिली सोरा किसका नाम है सोडियम नाइट्रेट का सोडियम नाइट्रेट का सोडियम नाइट्रेट का तो आपको एक बार और फिर पढ़ लें सोडियम नाइट्रेट का क्या नाम है सोडियम नाइट्रेट का चिली ये चिली साल्ट पेटर इसे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंपल फार्मूले वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ये जरूर आते हैं है ना और ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया है तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि बच्चों ने पढ़ाई जो है सही डायरेक्शन में जा रही है इसका फार्मूला भी आता है सोडियम का क्या है हमारा फार्मूला एन ए और नाइट्रेट का है NO3। थ्री ये इसका केमिकल फार्मूला है एन ए एन सी ओ थ्री अब देखते हैं अगला सवाल माइंड यहां माइंड नहीं आने का यहां गलत हो गया है यहां आएगा हमारा मिथेन आपको लगाना है यहां पे मिथेन मिथेन क्या है यहां पे आपको मन यहां पे क्या है मिथेन मिथेन क्या है हमारी मिथेन एक रंगहीन गंधहीन गैर विशैल्य किंतु ज्वलनशील गैस है इसका सामान्य नाम क्या है गैस को किस नाम से जाना आता है ये उत्तर सवाल में ही उत्तर है इसका मिथेन गैस होगा और मार्श गैस होगा मिथेन गैस होगा और मार्श गैस ये सवाल आपको कल करवाया तो था मिथेन गैस होगा मार्श गैस सभी बच्चों का सवाल का उत्तर ही सवाल में है इसमें क्या होगा मिथेन और मार्श गैस क्या होगा मिथेन और मार्श गैस ये कहा मिलती है हमारे ऑर्गेनिक जिसे हमारे जो टर्माइट्स होते हैं जो जानवर जुगाली करते हैं कल बच्चों ने बड़े बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स दिए थे हमारे दीमक में से ये मिथेन गैस रिलीज होती है हमारे गोबर गैस जो होती है वो मिथेन होती है तो इवन जो नाले होते हैं उनमें से निकलती है वेटलैंड होते हैं उनमें से हमारी मिथेन गैस निकलती है अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल सिरका सिरके का कमर्शियल नाम क्या है सिरका जिसे विनेगर कहते हैं इसका वाणिज्यिक नाम क्या है बच्चों बताओ सिरके का वाणिज्यिक नाम क्या है सिरके का वाणिज्यिक नाम क्या है सचिदानंद का सही आ गया है बिल्कुल सही आ रहा है बच्चों का सही जवाब आ रहा है सिरके का वाणिज्यिक नाम क्या है बिल्कुल परफेक्ट आंसर ये है हमारा इसका नाम है एसिटिक एसिड क्या है एसिटिक एसिड एसिडिक एसिड क्या है हमारे विनेगर जो सिरका होता है जो हमारे चाइनीज फूड जो होते उनमें डलता है और इसके घर में अचार वगैरह जो होते उसमें जो डलता है उसमें कौन सा होता है एसिड होता है उसमें होता है हमारा एसिटिक एसिड और क्या होता है विनेगर अब ये विनेगर में बच्चों के लिए कई बार सवाल आता है क्या क्या विनेगर में 100% साइट्रिक एसिड होता है नहीं विनेगर में कितने परसेंट साइट्रिक एसिड ये एसिटिक एसिड होता है ये होता है 8 से 10% 8 से 10% होता है हमारा एसिटिक एसिड किसमें विनेगर में सिरके में 8 से 10% होता है हमारा एसिटिक एसिड अगला सवाल है

शुभमंडल मंडल आपका गलत जवाब है आप जो है ना क्वेश्चन नंबर भी डाल दे करो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है सचिदानंद का सही जवाब आ गया है जो हमारा कंसेंट्रेट अगर हम कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड किस में डालें जो काला पड़ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड किसको काला कर देता है पांच सेकंड है आपको जवाब देना है दस सेकंड दे देते चलो काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव बच्चों के सही जवाब आने शुरू हो चुके हैं बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं नम्रता का सही जवाब आया सुरेंद्र गुजर का भी आया सही जवाब और बच्चे कहा है भाई जल्दी बताओ किसमें एसिड डालने के बाद जो है उसका कलर जो ब्लैक हो जाता है वो है हमारी शुगर क्या है हमारी शुगर शुगर में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो वो काली पड़ जाती है अब देखना अगला सवाल आने वाला कौन सा है इन द टिप ऑफ माचिस की जो तीली होती है जिसे रगड़ने पे आग लगती है वो, वो उसमें क्या होता है कौन सा तत्व होता है फॉस्फोरस पेंटोक्साइड व्हाइट फॉस्फोरस होता है रेड फॉस्फोरस होता है या फॉस्फोरस ट्रिच क्लोराइड बच्चों बताओ उसमें क्या होता है जो माचिस की जो तीली होती है हमारी इसके ऊपर जो रेड सा होता है वो क्या होता है जिसे रगड़ने पे आग लग जाती है आपको पास पांच सेकंड है, है और बहुत ही इजी सवाल शिवू मंडल का सही जवाब आ चुका है सज्जानंद का सही आ चुका है और बच्चे कहा है जल्दी बताओ भाई फास्ट जो माचिस की तीली पे हमारा क्या लगा होता है जिससे आग लगती है रेड फॉस्फोरस होता, होता है, तो है होता या व्हाइट फॉस्फोरस होता है फॉस्पोरस तो होता है रेड फॉस्फोरस होता है या व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो होता है हमारा लाल फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस जो होता है जब उसे हम रगड़ते हैं तो उससे चिंगारी लगने पे माचिस की तीली में आग लग जाती वो होता है हमारा लाल फॉस्फोरस अगला सवाल है इन द टिप ऑफ मैच स्टिक ये तो हो गया हमारा अगला सवाल है ग्रीन कलर आपने देखा होगा शादियों में जो आतिशबाजी होती है आतिशबाजी जो ग्रीन लर, कलर होता है लाइटिंग में वो किसकी वजह से होता है ग्रीन कलर ए, इन फायर फायरवर्क आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण होता है सोडियम स्टॉनशियम कैल्शियम या फिर बैरियम बच्चों बताओ कौन सी वजह से हमारे आतिशबाजी में हरा रंग होता है ट्रैकर्स में ग्रीन कलर जो आता है वो किसकी वजह से आता है किसकी क्लोराइड सॉल्ट की वजह से आता है की वजह से नहीं आता हाँ नम्रता देवे राव का सही जवाब आया है पहला सही जवाब आ चुका है और बच्चे बताओ कहां है वो है हमारा ऑक्स, बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड के सॉल्ट की वजह से बेरियम क्लोराइड की वजह से हमारे जो सॉल्ट होता है उसकी वजह से कलर होता है हमारा ग्रीन कैसा हरा एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर जो हमारे फायर क्रैकर्स में आग लगती है वो किसकी वजह से होता है evaporation combustion precipitation या decomposition फायर क्रैकर्स की में आग जो लगती है आतिशबाजी में जो आग लगती है वो किसकी वजह से होती है evaporation होता है combustion होता है precipitation होता है decomposition होता है जल्दी बहुत ही सिंपल जवाब है जवाब दीजिए इसका सवाल का कि पटाखों में विस्फोट का उदाहरण किसका है सही जवाब आने शुरू हो चुके हैं पटाखों में आग जो लगती है किसका एग्जाम्पल है यह का, का, का हमारा बच्चों कंबंशन का कंबंश दहन होगा आग लगेगी तभी तो पटाखे फटेंगे पटाखे क्यों फटेंगे आग लगने पर फटते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है हमारे कंबंशन का कंबंशन का क्या एग्जाम्पल है हमारा एक्सप्लोजन ऑफ ऑफ फायर क्रैकर्स फायर क्रैकर्स का एग्जाम्पल है किसका एक्सप्लोजन का किसका कंबंशन एक्सप्लोजन का नहीं कंबंशन का अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दॉलोइंग इज यूज टू मेक गन पाउडर गन पाउडर हमारा किससे बनता है बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है मिथाइल एल्कोहल का आयरन ऑक्साइड का नाइट्रोग्लिसरॉल का कॉपर सल्फेट का बच्चों, जो हमारा गन पाउडर होता है बारूद जो होता है उसके बनाने में किसका प्रयोग होता है हमारा मिथाइल एल्कोहल का आयरन ऑक्साइड का नाइट्रोग्लिसरॉल का कॉपर सल्फेट का ये कल भी क्वेश्चन पूछा था कॉपर सल्फेट इसका गलत जवाब है कॉपर सल्फेट नहीं होता जल्दी बताओ फास्ट गन पाउडर में होता है हमारा नाइट्रोग्लिसरॉल का नाइट्रो ग्लिसरॉल नाइट्रोग किसमें होता है हमारा गन पाउडर में प्यारे बच्चों किसमें होता है गन पाउडर बारूद बारूद जो होता है गन पाउडर होता है उसमें क्या होता है नाइट्रोग्लिसरॉल काफी बच्चों का सही जवाब अब प्यारा सा अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है विच ऑफ़ दी फॉलोइंग कार्बो कार्बोलिक एसिड निम्न में से कार्बोलिक एसिड किसका नाम है कार्बोलिक एसिड के नाम से क्या जाना जाता है? फिनॉल हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड या इथेनॉल कार्बोलिक एसिड किसका नाम है फिनॉल का हाइड्रोक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड का इथेनॉल का कार्बोलिक एसिड पांच सेकेंड आपके पास शिवू मंडल का सबसे पहले से ही जवाब आया है और बच्चे कहा हैं हमारे पांच सेकेंड एक दो तीन सुरेंद्र गुजर कभी आ चुका है यह हमारा चार यह लास्ट पांच पिनॉल पिनॉल जो है हमारा फिनॉल जो है इसका नाम है हमारा नोन एज कार्बोलिक एसिड क्या होता है कार्बोलिक एसिड कार्बोलिक एसिड के नाम से क्या जाना जाता है फिनॉल जो है हमारा फिनॉल जाएगा कार्बोलिक एसिड के नाम से और इसका फार्मूला क्या है सी सिक्स एच फाइव ओ एच सी सिक्स एच फाइव ओ एच सी सिक्स एच फाइव ओ एच किसका फॉर्मूला है कार्बोलिक एसिड का वॉट इज द टिंचर आयोडीन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन टिंचर आयोडीन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन का क्या है किसका गोल है टिंचर आयोडीन का सो so... देखो आपका जो है यू टेलीग्राम का लिंक भी ओपन हो जाएगा हम उससे आप दोबारा ट्राई करें तब जो व्हाट इज द टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन क्या है पोटेशियम आयोडीन आयोडाइड इथाइल एल्कोहल वाटर या सोडियम क्लोराइड टिंचर आयोडीन किसका सोल्यूशन है आपका मैं बताते नहीं कम जो टेक्निकल टीम से उससे बता देंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी ना यूपीएससी मोटिवेशन जो है ना लेक्चर के बाद जो है ना आपकी जो प्रॉब्लम है उससे बता देंगे टिंचर आयोडीन जो है सॉल्यूशन किसका है हमारा पांच में आपके पास जवाब दें और सही जवाब आ चुका है सुरेंद्र गुजर का जो है कॉमेडी एंड टैलेंट इनका सही जवाब आ चुका है मत्सिफ का गलत जवाब है ये हमारा जल्दी बताओ बच्चों। टिंचर आयोडीन आपने देखा नहीं है ये तो डॉक्टर की दुकान पे वो इस्तेमाल होता है हमारा घाव पे डालते हैं रेड सा होता है व्हाइट सा हो जाता है ये होता है हमारा पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है हमारा टिंचर आयोडीन सोल्यूशन जो होता है पोटेशियम आयोडाइड ये जो होता है पोटेशियम आयोडाइड होता है हमारा टिंचर आयोडीन अगला सवाल है द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है वॉटर जल ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर टिंच कैल्शियम so, हाइपोक्लोराइड का क्या नाम है बहुत ही सिंपल और आसान सवाल कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का क्या नाम है हाँ जी सुरेंद्र आपने सही जवाब दिया था जो ये टिंचरास ये भी कहते हैं अब अगला सवाल का जवाब दो आप हमें द नेम ऑफ द कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का क्या नाम है ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर काफी बच्चों के सही जवाब आने शुरू चुके हैं पांच सेकंड और देते हैं फिर इस आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है का क्या नाम है हाँ सभी बच्चों का सही जवाब है ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर जो है हमारा क्या है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कैल्शियम हाइपो क्लोराइट कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है हमारी ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर है हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट आती है स्मेल ऑफ क्लोरीन क्लोरीन की इसमें से स्मेल आएगी इसकी पहचान क्या है हमारे ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन की स्मेल आती है ब्लीचिंग और इससे क्या बनता है हमारा इससे बनती है हमारी क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म अब आपको बताना पड़ेगा क्लोरोफॉर्म किस लिए यूज यूज होती होती है ये होती है ये हमारे बेहोश करने के अगर किसी ने क्लोरोफॉर्म यूज सूंघ ली वो बेहोश हो जाता है फिल्मों में नहीं देखा कि रुमाल में क्लोरोफॉर्म का लिक्विड डाला वो सूंघा दिया आज में बिकदम बेहोश हो जाता है तो क्लोरोफॉर्म किससे बनती है क्लोरीन से क्लोरीन किससे बनती है ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर क्या है कैल्शियम हाइप्रोक्लोराइड ये आपके तीन चार सवाल इससे लिंक हो गए इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने का है अब देखते हैं अगला सवाल वॉट इज द मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट मोस्ट कॉमन ब्लीचिंग एजेंट कौन सा होता है सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एल्कोहल क्लोरीन या सोडियम क्लोराइड बच्चों बताओ अजय परमार क्या पूछना चाह रहे हो आप मतलब एस सी में पेमेंट कितनी होती है चालीस सैलरी जो आती है वो पूछना चाह रहे हो भाई चालीस से कम तो सैलरी कहीं मिल ही नहीं रही आपको है ना डिपेंड आप किस में जॉब में जा रहे हो मतलब कौन सा आपको ग्रेड वो मिल रहा है आपको पोस्ट मिलेगी हाँ वाटर क्लीनिंग के लिए भी हमारा यूज होता है क्लोरिन होता है वॉट इज द मोस्ट कॉमन ब्लीचिंग एजेंट ब्लीचिंग एजेंट कौन सा होता है हमारा वो है हमारा कौन सा है बताओ वो है हमारा क्लोरीन क्लोरीन जो होता है हमारा ब्लीचिंग एजेंट होता है पानी साफ कर देता है जब कोई बाढ़ वगैरह आती है तो पानी साफ नहीं मिलता चारों तरफ पानी होता है पानी पीने योग्य नहीं होता तो उसमें क्लोरीन की टेबलेट दी जाती हैं हमारे जो स्विमिंग पूल होते हैं उनका पानी साफ करने के लिए क्लोरिन डाला जाता है और जो हमारे नगर निगम का जो पानी आता है दिल्ली में तो स्पेशली आता है यहाँ पे तो वो भी सब क्लोरिनेटेड वाटर आता है अजीब सी क्लोरिनेट की स्मेल आती है तो हमारा क्या होता है मोस्ट कॉमन ब्लीचिंग एजेंट मोस्ट कॉमन कौन सा है हमारा क्लोरीन है क्लोरीन क्या है मोस्ट मोस्ट कॉमन ब्लीचिंग एजेंट और ये कहां यूज होता है हमारे स्विमिंग पूल जो है उसमें साफ करने के लिए हमारे जो पानी आता है उसे साफ करने जीवाणुओं को जो उनका नष्ट कर लेता है देखो एस एस में जो है अजय परमार पूछना चाह रहे हैं कि किसएससी में कितनी सैलरी पड़ जाती है देखो शुरुआत में आपकी सैलरी कम आती है आपको पैंतीस पैंतीस हजार तक मिल जाती है फिर बढ़ती रहती है है ना क्योंकि प्रोबेशन पीरियड होता है तो आप मान लो अगर आप ढंग से मेहनत करोगे कर, तो चालीस हजार तक मिल जाएंगे आपको इससे कम तो आज की सैलरी आई नहीं रही हमारी पहले उसके लिए आपको इतनी सैलरी लेने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी एक एक महीना बचा है बिल्कुल दस तारीख से पेपर शुरू हो जाएंगे आज से पूरे दस तारीख हो गई है तो आपको सभी बच्चों को बहुत ही मन लगा के मेहनत करनी एक महीना हमें दे दो आप सभी का जो है बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा तो इसलिए तीस जो जो पैंतीस आपको है ना एस एस सी जी डी पी का रुकना फिर बाद में और एग्जाम करना क्लियर हमारे सर नहीं आते थे एस एस क्लियर करा और अब उनके एस में सिलेक्शन हो गया और अब वो जो है एस एस के बाद सीधे सेक्रेटेरिएट में बैठेंगे टी तो ग्रोथ होती है हीलियम हीलियम गैस 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 इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन में जो होती ही, हीलियम गैस क्या से होती है कैसे यूज है क्योंकि ही, हीलियम जो हाइड्रोजन से हल्की होती है या फाउंड इन मोर अबंडेंस ज्यादा प्रचुरता में पाई जाती है या नॉन कंबस्टेबल होती है आहार होती है अधिक स्थायी होती है या मोर स्टेबल होती है बच्ची क्यों हम जो बैलून्स होते हैं जो गुब्बारे होते हैं उसमें हीलियम गैस भरते हैं क्यों भरते हैं हीलियम गैस? देखो बच्चों आपको पेपर में कोई भी पोर्शन हल्के में नहीं लेना चाहे जीएस का हो या मैथ का हो या इंग्लिश का हो या हिंदी का हो सिर्फ मन लगा के पढ़ना सिर्फ एक महीने एक महीने बाद अगले साल आपके लिए नई खुशियां लेके आएगा है ना इस साल मेहनत कर लो सबका बढ़िया होगा हाँ जी हमारे इतना तो है कि गारंटी है क्योंकि देखो बच्चों सिंपल आप कहीं भी लगा मेरा नहीं देखना किसी भी का भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं कहीं भी किसी भी एग्जाम्स में चाहे वो यूपीएससी का हो आई का हो या स्टेट का हो या फिर छोटे किसी भी एग्जाम हो वो बनते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे स्तर होता है आपने हमारा जो मेन है वो प्रीवियस ईयर जो एस में आए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अब वो क्वेश्चन हुए उनसे रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ोगे तो आपके जो है 80 परसेंट के करीब जो क्वेश्चन सही हो जाएंगे और सिलेक्शन के लिए तो आपको 70 परसेंट ही क्वेश्चन सही होते हैं क्योंकि 10 से 15 परसेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो किसी से सही नहीं होते और उनका मेरिट पे भी कोई आग नहीं होता आपने कभी सुना है कि हंड्रेड परसेंट पे मेरिट बन रही है सत्तर परसेंट आई में तो पचास परसेंट पे तो ये है कि पर ये आपको जो ये क्वेश्चन है प्रीवियस वाले इन्हें पढ़ना है पढ़ आज के समय में कंपटीशन में ये जरूरी नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है जरूरी ये है कि क्या नहीं पढ़ना है क्योंकि पूरा मार्केट बुक्स से यूट्यूब बुक्स से क्वेश्चन से भरा पड़ा है चलो भाई अजय परमार आपको जॉब मिलेगी पक्का आप मेहनत करो और भगवान ने चाहा तो छह महीने में आपको जॉब मिलेगी जब जॉब मिल जाए तो हमें मैसेज जरूर कर देना कि सर ने कहा था सबके सामने पूरी दुनिया के सामने बता रहे हैं हम आपको है ना तो आप क्वेश्चंस करो पढ़ाई करो ढंग से बिल्कुल अपनी है ना हीलियम गैस इज ऑफ ही होती है ये नॉन कम्बस्टेबल होती है क्या होती है इसमें आग नहीं लगती है अगला क्वेश्चन क्या है हमारा वॉट इज ताजमहल गेटिंग अफेक्टेड बाई ताजमहल जो है किसकी वजह से अफेक्टेड हो रहा है हमारा ताजमहल जो अफेक्टेड किसकी वजह से हो रहा है कौन सी वो होती है एसओ टू की वजह से सीओ एनओ NO या सीओ टू जल्दी बताओ भी बच्चों जो हमारा ताजमहल है ताजमहल जो हमारा एसओ टू दो गैसेज हो रही है हमारी आजकल आ रही है जिससे एस एनओ टू प्लस एसो टू ये दो गैसेज हैं इनकी वजह से हमारा जो ताजमहल है एसिड रेन हो सकती है सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड से गैस बनती है हमारी सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड तो ये हमारी ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फ्यूरिक ऑक्साइड तो ये हमारा बनाती है ये किससे बनती है प्ले रोल इन इन एसिड रेन

बहुत दुख होता है कि एक नंबर से आप अटक गए हो है ना अगला सवाल है विच इज द दूम ऑटोमोबाइल वैक्यूम वैक्यूम ऑटोमोबाइल में कौन सा होता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड स्मोक या ऑल द कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे जो हमारा धुआं निकलता है ऑटोमोबाइल से उसमें कौन सा कंपाउंड होता है बच्चों बताओ कौन सा कंपाउंड होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा स्मोक होगा या ऑल द एव देखो नितेश आपको ढंग से सवाल पढ़ो आप है ना इस क्वेश्चन का आप अलग जवाब दोगे है ना हाँ कृष्ण कुमार का सही जवाब आ चुका है और बच्चों बताओ क्योंकि यही तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ना बहुत सिंपल जवाब है वंशी का आप भी जवाब दो इसका क्वेश्चन का क्या होगा बहुत ये कॉमन सेंस के सवाल होते हैं आपको जो हमारा हमपुर ऑटोमोबाइल वैक्यूम से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड स्मोक ऑल ऑफ द दोनोक्साइड इसमें सारा आएगा हानिकारक है कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन तो मोनोऑक्साइड भी और स्मोक भी है ना अगर आता इनकम्प्लीट कंबंशन पूरी तरह कंबंशन नहीं होता तब आपका उत्तर होता इस होता बी कार्बन मोनोऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड तब होती है इनकंप्लीट कंबशन होता है है ना तो प्रश्न को ढंग से पढ़ें द सोर टेस्ट ऑफ कोका कोला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोकोकोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है एसिटिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फॉर्मिक एसिड आप सभी ने जो है ना कोकोकोला तो पिया होगा कोको तो कोला जो होता है या फिर पेप्सी हुआ ये, इनका जो टेस्ट आता है वो किसकी वजह से होता है इसमें भी एक एसिड होता है कौन सा एसिड होता है बच्चों हमारा एसिटिक एसिड नहीं होता ये गलत जवाब होगा इनमें से होगा जल्दी भजो आप तो कोला का जो शोर टेस्ट होता है किसकी वजह से होता है वो होता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड की वजह से किसकी वजह से होता है बच्चों फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होता है हमारे कोको कोला का खट्टा स्वाद जो होता है और इसमें कौन सा बेस डाला होता है हमारा बेकिंग पाउडर जो होता है वो हमारा इसमें डाला होता है तो कोको -को कोला का होगा हमारा फास्फोरस ये फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होता है हमारा सोर टेस्ट किसकी वजह से फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होता है सोर टेस्ट ऑफ कोको और कौन सी गैस होती है कोको में ये बताओ चलो बहुत ही सिंपल सवाल है कोको कोला में जब हम निकालते हैं कौन सी गैस के बबल्स बनते हैं जल्दी बताओ भाई को, जब कोको कोला के हम ढक्कन खोलते हैं किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक का तो बबल्स से निकलते हैं गैस से निकलती है तो कौन सी गैस होती है बच्चों को कार्बन डाइऑक्साइड होती है ऑक्सीजन होती है कौन सी गैस होती है जल्दी वो होती है हमारी सी टू कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होती है इसके अंदर अगला सवाल है हमारा ब्लू लिटमस पेपर टेन टू कम इन कॉन्टेक्ट एसिडिक सोल्यूशन जब हम एसिड में डालते हैं नितेश ने जवाब दिया था एसिड में जब हम ब्लू लिटमस डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है बच्चों कौन सा कलर हो जाता है रेड हो जाता है येलो हो जाता है ब्राउन या ग्रीन हो जाता है ब्लू लिटमस का पेपर कैसे कलर हो जाता है Blue litmus का पेपर कन्वर्ट रेड हो जाता है? होता है ब्लू होता है येलो होता, होता है ब्राउन होता है ग्रीन होता है जब इसे हम एसिड में डालते हैं बहुत ही सिंपल सवाल है पर इंपॉर्टेंट सवाल है बेस है केमिस्ट्री का ये, है ना एसिड को और बेस को चेक करने का तरीका ये होता है बहन ब्लू रेड तो ये होता है जब ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये होता है हमारा एसिड क्या होता है हमारा एसिड किस में हो जाता है हमारा रेड में आप देखते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल कौन सा आ रहा है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग गैस हैज एन ऑर्डर सिमिलर टू रोट इनमें से किस गैस में से सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है सड़े हुए अंडे की स्मेल किसमें से आती है हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड में से डाई मिथाइल साइक्लो की वजह से अमोनिया से या फिर क्लोरीन की वजह से सड़े हुए अंडे की किस किसमें से आती है जल्दी बताओ बच्चों, सड़े हुए अंडे की स्मेल हमारी किसमें से आती है प्रॉटन एग्स

तो ये हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड ये हमारा सही जवाब होगा क्या होगा हमारा सही जवाब हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड में से कैसी आती है रॉटन जो हाइड्रोजन सल्फाइड में से स्मेल कैसी आएगी रॉटन एग सड़े हुए अंडे जैसी रॉटन एग हमारी जो लैब थी उसमें जब स्मेल गैस वगैरह से कोई एक्सपेरिमेंट हो रहे होते तो बच्चे क्या आसपास के लोग भी भाग जाते थे वहां से तो पता चल जाता है कि आज यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस रिलीज हो रही है तो हाइड्रोजन सल्फाइड में से कैसी स्मेल आती है आती है रोटन एक्स सड़े हुए जैसी स्मेल आती है विच एसिड इज रिलीज वेर एंट बा, आंट, बा, आंट बाइट जो हमें कोई भी जो काटती है जो हमारे कोई भी हमें जो आंट आंट कहते हैं चीटी काटती है तो हमें क्या लाल सा पड़ जाता है तो उसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर एक एसिड जाता है वो कौन सा एसिड होता है थैंक यू नितेश भैया आपको हमारे पढ़ाई अच्छा लग रहा है कौन सा एसिड होता है हमारी बॉडी में आंट बाइट होती है फॉर्मिक एसिड एसेट, एसिटिक एसिड एसेट या फॉस्फोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैं आंट बाइट चीटी काटती है तो हमारी बॉडी में कौन सा एसिड रिलीज होता है कौन सा एसिड जाएगा उसके डंक में कौ... सभी बच्चों का सही जवाब है वो है हमारा फॉर्मिक एसिड कौन सा है फॉर्मिक एसिड आंट की जो डंक होता है स्टिंग कहते हैं उसे इंग्लिश में उसमें कौन सा एसिड होता है वो होता है हमारा फॉर्मिक एसिड अब बच्चों अगला सवाल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एप्पल सेब में कौन सा एसिड मिलता है सेब जो होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है मैलिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मिक एसिड या नाइट्रिक एसिड तो सेब होता है हमारा उसके अंदर कौन सा एसिड होता है सेब के अंदर क्या मैलिक एसिड होगा बच्चों की क्या या फिर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड 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 होगा 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 फॉर्मिक नाइट्रिक सही बच्चों का सचिन का सही जवाब आ चुका है शिबू का सही जवाब है यूपीएससी मोटिवेशन का नितेश का गई नाइट्रिक एसिड नहीं होता बेटा इसका जो है गलत जवाब है।, है ना ये तो हमारा कोमल जैठिया का सही जवाब आ चुका है कृष्ण कुमार का गलत है ये होता है हमारा मैलिक एसिड मैलिक एसिड किसमें होता है हमारे एप्पल में फॉर्मिक एसिड किसमें होता है हमारी आंट बाइट में क्या होता है हमारा मैलिक एसिड मैलिक एसिड किसमें होता है एप्पल में एप्पल क्या सेब में इसके अलावा टार्ट्रिक एसिड जो होता है हमारा टार्ट्रिक एसिड होता है हमारा टेरामिंड में टेरामिंड क्या होती है हमारी इमली इमली में क्या होता है टेरामिट जो होती है उसमें होता है हमारा जो होता है टार्ट्रिक एसिड और मैलिक एसिड किसमें होता है सेब सेब में कभी कभी जो सेब जो खट्टे से होते हैं जो खटास होती है हमारी सेबों में कहते नहीं कि सेब बड़ा खट्टा है या बड़ा मीठा है जो हमारा जो सेब जो खट्टा होता है तो उसमें कौन सा एसिड होता है वो होता है हमारा मैलिक एसिड वो होता है मैलिक एसिड हमारा तो हमारा क्या मैलिक एसिड किस में पाया जाता है जो होता है एप्पल में सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इससे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो नाइट्रिक एसिड होता है बच्चों ये ये हमारा एसिड होता है ये किसी भी फल में नहीं नहीं पाया जाता हमारे जो फल वगैरह होते इसमें होता जो सल्फ्यूरिक एसिड एसिड नहीं नहीं मिलेगा नाइट्रिक है नहीं होता, अगला सवाल है फॉर्मलिन इज इन सोल्यूशन किसका जलीय विलेन है मिथेनॉल का इथेनॉल का फ्रक्टोज का या नाइट्रिक एसिड का हां बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है अब इस सवाल का जवाब दो किसका फॉर्मुलिसका सोल्यूशन है मिथेनॉल का इथेनॉल का फ्रक्टोज का या नाइट्रिक एसिड का बच्चों के जवाब आने शुरू हो चुके हैं आप क्वेश्चन नंबर और डाल दो तो। क्योंकि कोई बच्ची स्पीड स्लो होती बात का हम गलत समझ वो सही जवाब देते हैं हम गलत समझ जाते हैं ना या तो फिर ऑप्शन डालो कौन सा है फॉर्मलिन इज एन एक्व सोल्यूशन ऑफ शिवू मंडल आपका गलत जवाब है आरआर के डीजे जो इनका सही जवाब नहीं है फॉर्मलिन किसका हाँ नम्रता देवराव ने सही जवाब दिया है ट्वेंटी एट का बच्चो बी नहीं है नहीं है इसका जवाब काफी बच्चे बी लगा रहे हैं बी नहीं है का क्या नाम है हमारा सी भी नहीं है हमारा फ्रक्टोज नहीं होने का इज सॉल्यूशन ऑफ जल्दी बताओ आप है ना हाँ नितेश मोनिटर मनी का इनका सही जवाब आ चुका है ये हमारा मिथेनॉल एक्व सोल्यूशन का फॉर्मोली क्या है हमारा मिथनॉल बच्चों क्या है मिथेनॉल क्या है इसका सही उत्तर होगा फॉर्मोलिन में एक्सोल्यूशन ऑफ मिथेनॉल किसका सोल्यूशन है मिथेनॉल का सोल्यूशन है चालीस परसेंट फॉर्मुलीआइड होता है किसमें चालीस परसेंट जो है ना फॉर्मेल डियाइट मिथेनॉल क्या है इसमें फॉर्मल डी हाइड कितना होता है फोर्टी परसेंट

विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इज़ टू द कमर्शियल नाइट्रिक दमर्शियल गिव इट कलर कमर्शियल नाइट्रिक एसिड में क्या मिलाते हैं जिससे उसमें कलर आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कलर्ड मिक्सचर या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक जो ये होता है कमर्शियल नाइट्रिक एसिड में क्या मिलाते हैं हम कमर्शियल नाइट्रिक एसिड में क्या मिलाते हैं भाई बच्चों जल्दी बताओ सही जवाब आ गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हमारी क्या होते हैं ऑप्शन है इसमें कलर लाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड में आती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या मिलाते हैं हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसमें मिलाते हैं हम सल्फ्यूरिक इसमें किसमें नाइट्रिक एसिड में कलरेशन इसमें कलर आ जाए इसमें रंग आ जाए अब देखते हैं अगला सवाल के एमएनओ फोर कैन बी यूज फॉर के फोर से क्या कहते हैं पोटेशियम पर क्या कहते हैं बच्चों पोटेशियम पर मैगनेट के एम एन का प्रयोग किया जाता है किसमें एज एन इंसेक्टिसाइड एज ए फर्टिलाइजर उर्वरक के रूप में पीड़क नाशी के रूप में एज ए पेस्टिसाइड या रोग रोगाणु नाशी, एज ए जर्मी साइड का यूज किसमें करते हैं हम सही जवाब दो बच्चों, अब आपके पांच सवाल और बचे हैं बस फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। मेनो फोर का कैन बी यूज फॉर फर्टिलाइजर में यूज नहीं करते इसे बच्चों इसका नाम क्या होता है पोटेशियम पर पोटेशियम पर पोटेशियम पर किसमें क्या नाम होता है पोटेशियम पर और क्या नाम होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा के एम एनओ फोर के एम एनओ फोर इसका फॉर्मूला ये किस लिए यूज होता है एंटीसेप्टिक के यूज में स्पेशली किसी ने एज अ फंगस फंगस इंफेक्शन कृष्ण कुमार आप देखते हैं बच्चों के जवाब क्या क्या है हमारे इंसेक्टिसाइड नहीं होने का यह होगा हमारा जीवाणुनाशक डी ऑप्शन नीतीश मोनिका ने कही ये हमारा डी क्या ये हमारा जर्मिसाइड जर्म्स जो होते हैं उन्हें मारने के लिए होता है ये तो इंसेक्टिसाइड तो हमारे उसमें डाले जाते हैं हमारे जो ये कीटाणुओं को मारने के लिए पौधों पे फर्टिलाइजर भी नहीं है पेस्टिसाइड जो पेस्ट को मारने के लिए होता है ये हमारा है जर्मी साइड जर्म्स को मारने के लिए क्या होता है के एम एन ओ फोर देखो ये टेन प्लस टू का क्वेश्चन आए इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आए आपका जो जी डी का पेपर है ये ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है ये टेन प्लस टू का है

इट लोअर्स द सरफे टेंशन ऑफ द दूशन साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है सोप एज अ अटेलिस्ट सोप जो है की तरह कार्य करता है ये गंदगी को अवशोषित कर लेता है इट डर्ट डे घोल को शक्ति देता है इट गिव स्ट्रेंथ टू द दल्यूशन बताओ हमारा जो साबुन होता है वो कपड़ों को कैसे साफ कर लेता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सोप इंडस्ट्री से सोप और फर्टिलाइजर सोप हुआ डिटर्जेंट हुआ फर्टिलाइजर हुआ ये इनमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं तो और ये क्या है वाई हेल्प इन द बेटर क्लीनिंग ऑफ क्लोथ साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई क्यों करता है सही जवाब आने भी शुरू हो चुके हैं बच्चों के तो आपकी प्रिपरेशन जो है सही डायरेक्शन में जा रही है सोप जो है बेटर क्लीनिंग में कैसे मदद करता है हमारा हाँ, कृष्ण कुमार का सही आ चुका है हमारा और बच्चे कहा है सिंप देखो घरों में कपड़े तो सबके धुलते होंगे ये पता होना चाहिए ना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके कपड़ों में नीतीश का भी सही जवाब आ चुका है और बच्चे कहा है जल्दी जवाब दो तो दस सेकंड का टाइम है आपके पास फिर सॉल्व करेंगे ये हमारा जो सोप होता है सही जवाब ए है सोप जो है हमारे सरफेस टेंशन को बढ़ा दे लोवर कर देता कम कर देता है सोप जो है लोवर कर देता है टेंशन को इसलिए कपड़े जो हमारे वो डस्ट जो डर्ट पार्टिकल निकल जाते हैं और कपड़े साफ हो जाते हैं अगला सवाल है हमारा विच गैस इज नॉट पार्ट ऑफ द एटमोसफियर एटमोसफियर का कौन सी का? हमारे जो वायुमंडल है उसमें कौन सी गैस नहीं मिलती नाइट्रोजन हीलियम क्लोरीन या None of the above बच्चों ये सिंपल सवाल है बहुत ही सिंपल और प्यारा सवाल है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं मिलती नाइट्रोजन हीलियम क्लोरीन या None of the above ये गैस पाई तो जाती हैं पर हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती नाइट्रोजन हीलियम क्लोरीन None of the above बहुत सिंपल कृष्ण कुमार आपका गलत जवाब है इसका एक जवाब है एटमोस्फेयर में कौन सी गैस नहीं मिलती एटमोस्फेयर वायुमंडल ही नहीं कि गैस मना सकते हैं जल्दी बताओ कौन सी गैस जो हमारे एटमोसफेयर का हिस्सा नहीं है हमारे गैस जो नाइट्रोजन विच नाइट्रोजन तो 78 पाई जाती है 79 भी लिखा है है तो गैस वो वो पाई जाती, है, हीलियम जो है ये भी पाई जाती है. पर हमारी क्लोरीन जो है एटमोसफेयर में नहीं पाई जाती है अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन विच अदर एलिमेंट इज फाउंड इन दर्फेस ऑफ सन सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायात में पाया जाता है हीलियम, पे ए आएगा आपका और ऑक्सीजन कौन सा तत्व आएगा आपका अगर आपने हीलियम आंसर दिया तो गलत होगा नीतेश है ना रॉन्ग आंसर होगा जो ये क्वेश्चन जो इसमें आंसर जो है ना लिस्ट में ये रिपीटेड क्वेश्चन ये जो आपका है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जो आयोग की की है उसी के अनुसार मिल आंसर से मिल है ना तो हीलियम जो है गलत आंसर होगा क्योंकि हीलियम जो है बहुत माइनर क्वांटिटी में पाई जाती है अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन विच अदर एलिमेंट एबंडेंटली फाउंड इन सरफेस ऑफ सन है ना तो कौन सा है हीलियम है नियॉन है आर्गन है ऑक्सीजन ये कौन से 33 ऑप्शन आप लिखें हां नीतीश 32 का आपका बताया था मैंने 33 का ऑप्शन बताओ आप है ना जो है हमारे थर्टी थ्री का ऑप्शन बताए क्या होगा अब हाइड्रो सन जो में कौन सी गैस पाई जाती है उसके अलावा सूर्य हुआ या और भी कोई स्टार हुआ कौन सी गैस मिलती है हाँ सबका ये सही जवान आने शुरू हो चुके हैं जल्दी बताओ थर्टी थ्री का क्या है होगा हमारा उत्तर देखो हाइड्रोजन तो खुद ही लिखा हाइड्रोजन तो मेन गैस है इसके अलावा कौन सी गैस मिलती है यहां पे सन में जो होती है हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है जो हमारे किसमें होती है हमारे हाइड्रोजन बॉम्ब में किसमें होती है हाइड्रोजन बॉम्ब में तो इसमें क्या होती है इसमें जो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इसमें दो हाइड्रोजन से मिलके एक हीलियम बनता है क्या बनता है हीलियम तो कौन सी गैस होंगी इसमें हाइड्रोजन और हीलियम हाइड्रोजन और हीलियम तो इसका उत्तर होगा हमारा हीलियम क्या होगा इसका उत्तर हीलियम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनर्ट गैस इन द एटमोसफियर हमारे जो एटमोसफियर में इनर्ट गैस अक्रियाशील गैस कौन सी है सब अक्रियाशील गैस कौन सी है हीलियम है नियोन है आर्गन है क्रिप्टन है ये सारी की सारी गैसेस जो है आपने कहा था ना हीलियम ये भी पाई जाती है हीलियम जो है ये सब जो इनमें से जो है कौन सी गैस है जो सबकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है कौन सी इनर्ट गैस की सबसे ज्यादा परसेंटेज है हमारी बच्चों बताओ जल्दी से कौन सी गैस इनर्ट गैस है जिसकी परसेंटेज मैक्सिमम है ये आपका सेकंड लास्ट सवाल है है ना करो आपके दस सेकेंड आपको फिर जवाब पूछता जाता है द मोस्ट मंडन इनर्ट गैस इन एटमोसफियर कौन सी है नियॉन है आर्गन या क्रिप्टन है बच्चों बताओ देखो डी नहीं है आपका क्रिप्टन नहीं है इसका जवाब सुरेंद्र ना नीतीश मोनी का मंडन का पता नहीं है सुरेंद्र का सही जवाब हो चुका है सचिदानंद का भी सही जवाब हो चुका है ये हमारी क्या है आर्गन क्या है हमारी मोस्ट जो गैस है हमारी वो कौन सी है इनर्ट गैस है आर्गन आर्गन जो है हमारी मैक्सिमम नंबर में पाई जाती है कितनी पाई जाती है जीरो पॉइंट नाइन थ्री परसेंट जीरो पॉइंट नाइन थ्री परसेंट क्या होती है लगभग एक परसेंट से ज्यादा जो होती है हमारी आर्गन पाई जाती है एटमोसफेयर में क्या पाई जाती है जीरो पॉइंट नाइन थ्री परसेंट किसमें एटमोसफियर में तो इसका उत्तर होगा हमारा आर्गन आर्गन क्या है हमारी मोस्ट इनर्ट गैस इन द एटमोसफियर है हमारी आर्गन कौन सी आर्गन और सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है हमारी जो गैस मानी जाती है वो है हमारी नाइट्रोजन जो इनर्ट गैस नहीं जो है नाइट्रोजन है हमारी 79%. है हमारी सेवेंटी परसेंट फिर हमारी ऑक्सीजन है ना फिर ऐसे फिर हमारी गैस बनकर अब इसमें हीलियम किसमें यूज होती है बच्चों हमारी हीलियम होती है हमारी जो गैस जो होती है बबल ये जो गुब्बारे होते हैं ही होती है हमारे जो ये जो होते हैं जो गैस में जो होते हैं ना भरते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर उसमें भी हीलियम यूज़ होती है हमारी अब देखते हैं अगली जो कैल्शियम है सिलिकॉन है ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा मिलने वाला तत्व कौन सा है कैल्शियम है सिलिकॉन है ऑक्सीजन है, है? है? है, है, है या नाइट्रोजन है बच्चों जल्दी से जवाब दो इसका 10 सेकंड का टाइम आपके पास इज द द्ट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है कैल्शियम है सिलिकॉन है ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है हमारा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है हमारा साफ काफी बच्चों का सही जवाब आ चुका है सुरेंद्र गुजर का भी आ चुका है नितेश का भी ये पहले सवाल का था आपका स्टोनशियम इसका जवाब दो मंडल का भी आ, क्या है नाइट्रोजन हमारे एटमोसफेयर में गैस है यहाँ पे आपको प्रश्न को जम से पढ़ना है एलिमेंट हमारा क्या है एलिमेंट है तो ये हमारा इसका उत्तर है क्या है ऑक्सीजन जो हमारे अर्थ की सरफेस पे जो हमारे जब से अद पाई जाती है वो हमारी यहाँ है एटमोसफेयर में वो है हमारी ऑक्सीजन क्या है अर्थ की जो में पाई जाती है और कितनी पाई जाती है फोर्टी सिक्स परसेंट फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट हमारी क्या पाई जाती है ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन दी अर्थ सरफेस मोस्ट एबंड एलिमेंट ऑन अर्थ सरफेस और जो गैस है एटमोस्फियर में जो आता है यहां पर आ जाएगा हमारे एटमोस्फियर में आ जाएगा क्वेश्चन में आ जाता है तो ये गैस है सेवेंटी नाइन परसेंट अप्रॉक्स पाई जाती है हमारी नाइट्रोजन कौन सी नाइट्रोजन तो इसी के साथ जो हमारा जो है आज का लेक्चर खत्म होता है देखो बच्चों ग्यारह बजे से आपका स्टार्ट हो चुका है आप सभी ने हमारी ऐप पे जाकर जो टेस्ट जो है कर ले कल आपको ग्यारह बजे का जो है ना टेस्ट का सोल्यूशन बताया जाएगा आप सभी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वेर यू आर स्टैंडिंग आपकी क्या पोजीशन है पूरे उसमें देखो जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है उससे इंपॉर्टेंट उतना इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना भी कि आपको जज करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं है ना तो इतना इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपकी प्रिपरेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है आपका जज करना टेस्ट करना कि आपके स्केल पैरामीटर तो इसी के साथ जो है हम फिनिश करते हैं कल फिर मुलाकात होगी इसी समय और आपकी केमिस्ट्री जो है फिनिश होने वाली है बस अब लास्ट लेक्चर बताया कल हो जाएगा या फिर आपका मंडे को आपको वो पता चल जाएगा तब तक के लिए गुड बाय है नाइस डे